जय हिंद दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल जेंटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, जैसा कि इस हफ्ते मेरे दो वीडियोस आए जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे थे। अब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आती है तो जाहिर सी बात है आपके सामने दो बातें निकल के आती हैं, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वही है जिसके विषय में बात की जाए। सब्जेक्ट की भूमिका में जो वर्ड आते हैं जनरली तौर पे, उनमें से एक नाउन आता है, दूसरा प्रोनाउन आता है, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन, ये दो लोग यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन सिर्फ डिफेंस के लिए हैं, डिफेंस में एयरफोर्स और नेवी के लिए। एनडीए लेवल के क्वेश्चंस अभी नहीं है, एनडीए लेवल के क्वेश्चंस आपके अगले एपिसोड में यानी अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल गिवन अ प्राइज। दो सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो आपके हिसाब से दो सब्जेक्ट जो आए हैं वो एक बॉय है, दूसरा गर्ल है। ये सब्जेक्ट दो आपके सामने हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सॉरी बॉय एंड गर्ल है। इसके बाद यहाँ पे जो ईच का यूज किया गया है वो सिर्फ एक में किया गया है। हो सकता था मेरे बोले अनुसार, मेरे कहे अनुसार ईच इसमें भी होता और इसमें भी होता। इन दोनों सूरतों में आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर कैटेगरी की आएगी। सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब यहाँ पे कौन सी है आप लोगों को पता है, वही वर्ब सिंगुलर है जिस वर्ब में एस लगा है। और इस तरह की वर्ब देखी जाए तो वॉज में एस लगा हुआ है। और सही मायने में अगर आंसर की हम तलाश करें तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दो की जो शुरुआत हुई है वो क्या है, एवरी वन ऑफ द थीव्स लिखा गया है यहाँ पे। मेरे बच्चे, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर एवरी वन का यूज किया जाए, अब आपको लगेगा सर ऑफ द थीव्स से क्या मतलब है आपका, इसको क्यों नहीं आप कह रहे हो सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और जो प्रीपोजिशन होता है बच्चा उसके राइट हैंड साइड में उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मेरे कहने का मतलब ये जो द थीव्स है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एवरीवन है। और अगर एवरीवन है तो एवरीवन के साथ में वर्ब कैसी आती है, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। और आपको पता है कि वर्ब सिंगुलर आती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वही वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब में एस लगा होता है। अब इस मायने से देखा जाए तो आपके सामने इस वाज में एस लगा हुआ है और इस हिसाब से आपकी ये वर्ब सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीदर पार्टी। अब नीदर वाले कॉन्सेप्ट में आपके तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कि जैसे आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें केवल आपके सामने नीदर लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, उसमें नीदर के साथ में ऑफ लिखा होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा, तीसरा टाइप, वो नाइदर के साथ में नॉर लिखा होगा। क्या लिखा होगा बच्चों, नॉर लिखा होगा। तो ये तीन तरह के लॉजिक आपके बनेंगे, एक या तो नाइदर, या तो नाइदर ऑफ, या तो नाइदर नॉर। इन तीनों में से इन दो के लिए एक लॉजिक लगता है और इसके लिए लॉजिक दूसरे टाइप का लगता है। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि नाइदर ऑफ लिखा है या केवल नाइदर लिखा है या नाइदर नॉर लिखा है। तो अगर आपको सही स्पष्ट चीजें नजर आ रही हैं तो आप देख सकते हो उसमें केवल नाइदर लिखा है। और अगर यहां पे केवल नाइदर लिखा है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो किस कैटेगरी की आएगी, वो आएगी सिंगुलर कैटेगरी की। और आपको मैंने बोला है कि वर्ब सिंगुलर वही होगी जिस वर्ब में यस लगा होगा, और ऐसा आपके सामने इज के साथ में किया गया है, यानी इसमें इज फिल किया जाएगा, इज यहां पे फिलअप किया जाएगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, स्क्रीन को आगे दिखाता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने कह रहा है ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। एक्चुअल में यहां पर सब्जेक्ट काऊ है, ब्लैक और व्हाइट एडजेक्टिव है जो काऊ के लिए प्रयोग हुए हैं। मेरे बच्चे, यहां पर गाय एक ही है जिसमें दो स्पॉट है, ब्लैक का और व्हाइट का। अब जब वो काउ सिंगुलर है तो अगर तो वर्ब सिंगुलर हो गए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है। और इस नजरिए से अगर देखा जाए तो यहां पर आपकी इज सही वर्ब हो जाएगी।
चलता हूं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। क्वेश्चन नंबर जैसे ही पांच की तरफ मैं आता हूं तो आपका ध्यान यहां पर इस नाइदर ऑफ में चला जाएगा, नाइदर नॉर में चला जाएगा, जो कि अभी यहां से हटाया जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो ये था। कॉन्सेप्ट आपके सामने जो था वो कुछ ऐसे था, जैसे कि आपके सामने ये नाइदर लिखा है, या नाइदर का अगर मैं बेटा एन हटा दूं, केवल क्या हटा दूं, केवल मैं एन हटा दूं, तो आपके सामने ये क्या बनके तैयार हो जाएगा, ये गुरु तैयार हो जाएगा बनके आपका आइदर। क्या बनके तैयार हो जाएगा? आइदर। तो जो रूल आपका आइदर के साथ में लगता था वही रूल आपका नाइदर के साथ में लगेगा। इसका ये मतलब हुआ आइदर और नाइदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो इसमें जो जेन्युइन सब्जेक्ट माना जाता है वो आई को माना जाता है। और मेरे बच्चे, अगर हम आई के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करेंगे तो आर का चुनाव करेंगे, या फिर हम लोग यहां पे आई के अकॉर्डिंग एम का चुनाव करेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा। अब आपको पता है कि आई के साथ में आर तो आ नहीं सकता है, इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर जो आपने पहले टिक किया था, यानी जो ब्लैक लाइन आपने बनाई थी वो रॉन्ग थी, यानी जो रेड है यह सही है। इसका मतलब है आपका सही जवाब कौन सा हुआ? एम हुआ। अब मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और देखते हैं कि छह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। रितेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आपको पता ही होगा कि ये जो एज वेल एज के साथ में ये तुमने लिख रखा है हिज फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट यहां पर कौन है? सब्जेक्ट आपका रितेश है। अब रितेश अगर सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, अगर रितेश सिंगुलर है तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। और इस नजरिए से देखा जाए तो आपकी वर्ब कौन सी होगी? आपकी वर्ब यहां पे होगी बेटा कौन सी? वाज। तो सही जवाब आपका वाज होगा यहां पे। ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर सात और क्वेश्चन नंबर आठ यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने लिखा है अखिलेश। यहां पे अखिलेश के साथ साथ यहां पे आपने लिखा हुआ है हिज सपोर्टर्स। अब इन दोनों को कनेक्शन किसका मिला है? कनेक्टर यहां पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कनेक्टर इस्तेमाल हुआ है आपका अलोंग विद। अलोंग विद, हालांकि यहां पर कोई कंजक्शन नहीं है, ये आपका प्रीपोजिशन। और मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहां पे अखिलेश है और अखिलेश के अकॉर्डिंग आप यहां पे वर्ब का चुनाव अगर करोगे तो मेरे बच्चे आपकी वर्ब कौन सी हो जाएगी? आपकी सही वर्ब होगी इज। तो आप यहां पर इज का चुनाव करके आओगे। मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ। अब जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ रुक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर आठ नॉट ओनली और बट आल्सो की गिरफ्त में है। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट आपका है वो है केवल यहां पे ही, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है हिज फ्रेंड्स। जब कभी भी दो सब्जेक्ट इस तरह के कंजक्शन से कनेक्ट हो, अब इस तरह के कंजक्शन से मेरा मतलब कहां से है? मेरा मतलब है आपके जैसे आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ऐसे में क्या होता है मेरे बच्चे, ये सही सब्जेक्ट माना जाता है जो वर्ब के नजदीक होता है, और वर्ब के नजदीक हिज फ्रेंड्स है। अब हिज फ्रेंड्स का अगर नंबर चेक किया जाए तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, और अगर ये आपका प्लूरल है तो मेरे बच्चे आपकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और प्लूरल वर्ब के नाम पर आपके सामने कौन सा है? हैव। तो आपका सही जवाब हैव होगा। अगले क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ मैं ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है? नाइन नंबर क्वेश्चन पूरा इस तरीके से लिखा गया है, द मेन हु आर वॉकिंग ऑन द रोड। क्वेश्चन आपका कहता है द मेन हु आर वॉकिंग ऑन द रोड। अब इस क्वेश्चन को सही तरीके से देखा जाए तो हु के साथ आर लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट याद आया होगा। मैंने कहा था अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी एंटीसिडेंट के हिसाब से चुनी जाती है। और मेरे बच्चे यहां पर देखा जाए तो द मेन के हिसाब से आर लगाया आपने, इसके बाद आता है वॉकिंग ऑन द रोड,
स्पेस माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। आप सोचो जरा, दोस्त कौन है? वही लोग ना जो रोड पे टहल रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों के हिसाब से वर्ब चुनी जाएगी। और पब्लिक पीपल पुलिस, याद होगा जय जवान जय किसान स्लोगन, पब्लिक पीपल पुलिस, पोल्ट्री मिलिट्री जेंट्री और इन्फेंट्री, पीजेंट्री कैवेलरी क्लैरगी वर्मिन कैटल द मेजोरिटी द माइनॉरिटी, अगर इनको सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है तो इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। और ऐसे में आपकी वर्ब यहां पे मेन अपने आप में प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब के नाम पे आपके पास क्या है? आपके पास है आर। तो मेरे बच्चे यहां पर आर को चुन करके आओगे और यही सही जवाब होगा। ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जरा मैं क्वेश्चन ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं। तो इस समय हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूं इतना। हां, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी लॉजिक पर है जो अभी मैंने चर्चा की थी, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये देखिए जरा, क्वेश्चन आपका कहता है इट इज ही हु स्टोलन माई मनी। जिसने मेरी बात गौर से सुनी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकता है। मैंने कहा था ये हु जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो ही तुम्हारा सब्जेक्ट कंसीडर होगा, एंटीसिडेंट ही के हिसाब से वर्ब चुनी जाएगी। और आपको पता है कि ही किसको सपोर्ट करेगा? हैज को सपोर्ट करेगा, सिंगुलर वर्ब यहां पे चुनी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 12 इयर्स लिखा है, साफ साफ नजर आ रहा है 12 इयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट दिखा किसको रहा है? ये दिखा रहा है आपके किसको? एक लॉन्ग पीरियड को। मेरे बच्चे, मैंने बोला था अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन एच डी ए को डिफाइन करे, एच माने मैंने बोला था हाइट, डी माने डिस्टेंस, और ए का मतलब मैंने बोला था अमाउंट, या इस तरह की कोई भी बहुवचन संज्ञा अगर एक फिक्स डिस्टेंस अमाउंट या किसी चीज को दर्शाती है तो वो वर्ब क्या हो जाएगी? वो वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर। अब ऐसे में सिंगुलर वर्ब कौन होगी? आपकी सिंगुलर वर्ब होगी इज, यानी सही फिलर इसमें इज का होगा। अब मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के टॉप पर है और मैं देखता हूं कि कौन इसका जवाब दे पाता। यहां पे लिखा लॉट्स ऑफ पीपल। मेरे बच्चे, लॉट्स ऑफ लिखा होता या हो सकता है यहां पर लॉट शॉप की जगह पर अ लॉट ऑफ लिखा होता। क्या लिखा होता? ए लॉट ऑफ। याद रखना, अक्सर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ए के बिना लॉट ऑफ नहीं, लॉट्स ऑफ लिखा जाता है, और अगर ए के साथ में लिखा जाएगा तो वो ए लॉट ऑफ लिखेगा। अब ऐसे में आपके सामने जो लिखा हुआ सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब कैसी लेनी है। इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका यह है कि इसमें जो बेटा का सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में पीपल है, क्योंकि चाहे वो लॉट्स ऑफ हो या ए लॉट ऑफ हो, इन हर हालात में आपकी वर्ब डिसाइड होती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहां पीपल है, पीपल के हिसाब से वर्ब प्लूरल आ जाएगी। अभी अभी मैंने बात की थी जय जवान जय किसान की, तो इस हिसाब से आप पीपल को देखते हुए वर्ब प्लूरल हो जाएगी और प्लूरल वर्ब हो जाएगी आपकी हैव। अगला क्वेश्चन, हां पीपल के बारे में मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन अगर कभी भी आपके सामने पीपल्स लिखा मिल जाए, P-E-O, P-L-E-S, peoples, तो मेरे बच्चे इसका मतलब किसी न किसी राष्ट्र से होता है या राष्ट्रवादी लोगों से होता है। एक वर्ड पीपल होता है, एक वर्ड पीपल्स होता है, दोनों का मतलब अलग है और दोनों एक दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इस तरीके के क्वेश्चन से, इस तरह के लॉजिक से। तो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन आता है तो यहां पीपल के हिसाब से हैव आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, प्लेंटी ऑफ लिखा है बच्चे। प्लेंटी ऑफ में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें फूड ग्रेन सब्जेक्ट है। एक्चुअल में आपका जो सब्जेक्ट है वो फूड ग्रेन है, प्लेंटी नहीं है। इसमें सेम वही लॉजिक आपका इस्तेमाल किया जाएगा बच्चे, जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। यहां पे सही सब्जेक्ट केवल आपका फूड ग्रेन है, ना कि प्लेंटी ऑफ। ये प्लेंटी ऑफ में भी यही चलता है और यही सिचुएशन आपकी, आपका इनफ ऑफ या इस तरीके के अलॉट ऑफ या किसी तरीके के बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं
उन पे मैं चर्चा कर चुका हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी चर्चा करूं तो मैं अभी बता देता हूं कि मैंने बोला था कि जैसे रेस्ट ऑफ है, अलॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, इनफ ऑफ है या रेस्ट ऑफ है, इस तरीके के अगर वर्ड सब्जेक्ट्स के पहले कनेक्ट हैं तो वर्ब का दारोमदार उस पूरे सब्जेक्ट पर जाएगा, ना कि इनकी वजह से इफेक्टेड होगा। एक्चुअल में यहां कंफ्यूजन कहां होती है, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कहां से कंफ्यूज होता, मैं कंफ्यूज होता ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते वो मुझे कंफ्यूज कर देते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पे, वन थर्ड ऑफ, टू फोर्थ ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरीके के वर्ड अगर सब्जेक्ट के पहले कनेक्ट हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब्जेक्ट खुद डिसाइड करेगा वर्ब आपको उसको कैसी लेनी है। और यहां पे फूड ग्रेन अनाज होता है, अनाज एक अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर वर्ब को सपोर्ट करेगा। और इस नतीजे से देखा जाए अगर, तो मैं थोड़ी सी यहां की सफाई कर देता हूं, ये थोड़ा सा मैंने मार्कर चला दिया यहां पे, ये जो इस तरीके की चीजें हैं जैसे कि ये मार्कर्स कुछ हैं, इसको मैं हटाए देता हूं यहां से। हां, अब यहां पे सही जवाब, अब सफाई हो गई, अब जरा जवाब दीजिए इसमें से कहां प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा फिलर यहां पे फिल करोगे, तो बिल्कुल सही जवाब है, आप वास को फिल करके आओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है, 14 नंबर क्वेश्चन, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी मैंने कहा कि 20%, 30%, 40%, जब कोई मैथ्स का टीचर, अरिथमेटिक टीचर पढ़ाने आता है तो परसेंटेज पढ़ाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी बदला जा सकता है। तो परसेंटेज की बात करें, 10%, 20%, 30%, 40%, 25%, व्हाटएवर, वन थर्ड, टू थर्ड्स, इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बचेगा वो रेस्ट ऑफ बहुत है तो अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ होगा, प्लेंटी ऑफ होगा, एनफ ऑफ होगा, तो इनके साथ में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का चुनाव करना होता है। और यहां पे परसेंट के पास जो आपकी जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहां पे कौन है, सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट, कौन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स है आपका प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो आपके सामने वर्ब प्लूरल हो जाएगी, यानी हैव का सही यहां पे चुनाव किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आपको पूरी तरह से नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सिनेरियो क्या है। इसमें ए नंबर ऑफ लिखा है, ये दो सगे भाई हैं, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो मेरे प्यारे बच्चे ए नंबर ऑफ अगर लिखा है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और द नंबर ऑफ लिखा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां पे ए नंबर ऑफ लिखा है तो यहां पे वर्ब का चुनाव किया जाएगा। मैं ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है इस समय, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और मैं देखता हूं कि इसमें आप लोग कौन जल्दी से इसको सॉल्व कर सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और देखते हैं कि ऑल हिज लगेज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के नाम पे क्या लिखा हुआ है, ऑल हिज लगेज। मेरे बच्चे यहां पर लगेज, मैंने आपको बोला था कि आपके पास नॉलेज है, क्या है, नॉलेज, नॉलेज है, सही इस्तेमाल करोगे जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, कहीं ड्यूटी है दूर 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 दराज में, तो जब आवागमन होगा प्लेन से तो लगेज होगा, बैगेज होगा, लगेज होगा, बैगेज होगा, सरहद में मारे गए तो होमेज होगा, और अगर नौकरी हो सकता है आप अच्छे तरीके से जॉब करोगे तो आप स्पियोनेज बन जाओगे, क्या बन जाओगे, स्पियोनेज, अन्यथा आपकी जिंदगी ड्रेनेज वेस्टेज में बदल जाएगी। तो मेरे बच्चे ये जो वर्ड एज वाले मैंने बताए ये सब अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कैसी वर्ब लेता है, सुन रहा हूं जवाब दीजिए, हां सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही जवाब है यहां पे, और सिंगुलर वर्ब आपकी इज का यहां पर चुनाव किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नॉलेज, अभी ज्यादा देर नहीं हुए नॉलेज की मैंने बात की, अब नॉलेज हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है यानी इज का चुनाव यहां पे कर दिया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मैनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, मेरे बच्चे होता क्या है अक्सर यहां पे छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है, कंफ्यूजन क्या आ जाती है, कंफ्यूजन ये आ जाती है कि अगर मैनी लिखा है तो कैसे ट्रीट करेंगे, और आपके सामने अगर मैनी ए लिखा है तो कैसे ट्रीट करेंगे, मैनी ए, अगर आपके सामने दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक मैनी और दूसरा मैनी ए, अगर ये आपके सामने आते हैं तो इन दोनों के लिए अलग अलग लॉजिक आएगा। अगर मैनी लिखा है या हो सकता था यहां पे मैनी की जगह पे ए मैनी लिखा होता, थोड़ा सा मैंने बदल दिया, ए को मैनी के पहले लिख दिया, तो भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। लेकिन अगर मैनी ए लिखा है आपका, ये जो थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है ये,
मैनी ए, इसको मैं थोड़ा सा और विजिबिलिटी में कर देता हूं। ये आपका अगर यहां पे मैनी ए लिखा है मेरे बच्चे, मैनी ए, तो मेरे बच्चे होगा क्या कि मैनी ए होने पर जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, दोनों चीजें सिंगुलर होंगी। अब यार यहां पे ये दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हुए, यहां पे इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पे मैनी लिखा है और मैनी के साथ ब्रांचेस लिखा है। तो ठीक है, फिर अगर हमारे हसिये पे नहीं आ रहा तो प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल वर्ब क्या है, आर है। अब मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा पढ़िए और जवाब दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द मीजल्स, क्या लिखा है सब्जेक्ट, द मीजल्स। अब हमें नहीं पता यार मीजल्स किस चिड़िया का नाम है, आगे पढ़ लो क्या लिखा है, ए डेंजरस डिजीज, एक खतरनाक बीमारी, आपके सामने लिखा है खतरनाक बीमारी। मेरे बच्चे बीमारी का नाम अगर है तो प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब लेगा वो, और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें क्या लगाना होगा, इज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि नाम किसी का हो वो प्रॉपर नाउन कैटेगरी में जाता है, वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आता है गेल्स इनिंग अगेंस्ट किंग्स इलेवन पंजाब, जो भी लिखा है सॉरी इस क्वेश्चन में गेल्स इनिंग्स। अच्छा मुझे ये बताओ बेस्ट कौन था, गेल था या गेल की इनिंग थी? सही जवाब है गेल की इनिंग्स। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस तो लगा होता है, इन सबके बावजूद वो सिंगुलर होते हैं, और ऐसा कहां होता है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम ले लीजिए, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, कुछ भी ले लीजिए आप। इसके अलावा आप किसी भी बीमारी का नाम मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज ले लीजिए, इसके अलावा आप किसी कंट्री का नाम ले, द यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, या इस तरीके से कोई भी आप एस के साथ में द डिक्कंस ले लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी विषय का नाम हो गया, सब्जेक्ट का नाम हो गया, इधर आपका कंट्री का नाम हो गया, और इसी तरीके से किसी बीमारी का नाम हो गया, स्पोर्ट्स का नाम ले लीजिए, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ड्राउट्स हो गया, इस तरीके का कोई भी वर्ड आ जाता है जो नाम पर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन हिमालयाज और विंध्याज में यह बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती। अब यहां पर अगर हम इनिंग्स के हिसाब से वर्ब का चुनाव करेंगे तो इनिंग्स सिंगुलर वर्ब लेगा और आपकी वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके मेरी बात को सुनिएगा, दिन में दो बार सुनिए इस चीज को, जैसे मैं जो चीजें लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा वीडियो देखिए आप, जहां पे मैंने इन चीजों को लिखित तौर पे समझाया है उनको देखिए, समझिए आप, और यहां पे वर्बली मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने और रूबरू हूं आपसे, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आती है तो कहते नहीं जहां चाह वहीं राह, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। अगला वर्ड आता है That he is laborious, space known to me. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ऊपर ले लेता हूं या मैं ऐसे थोड़ा हट जाता हूं दूर। That he is laborious, known to me. अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि भैया वो मेहनती बंदा है, वो बंदा मेहनती है, गौरव पाठक मेहनती हैं। अगर इस तरीके में बात करूं तो बेटा ये पूरी क्लॉज यहां पे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुई है, और मेरे बच्चे मैंने लेक्चर में थियरी में मैंने समझाया था कि अगर कोई क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और ऐसे में बच्चा वर्ब सिंगुलर आएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी इज। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है 22। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लॉक कर दिया है, अब मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ी टेक्निकली कमी आ सकती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, सब्जेक्ट के नाम पे है द पोल्ट्री। मैंने जय जवान जय किसान कहा था, वहां पे पिजेंट्री, पोल्ट्री, मिलिट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, क्लैरगी, इस तरह के वर्ड पे मैंने चर्चा की थी। तुकांत वर्ड, रिदिम वर्ड को मैंने एक साथ, किताबों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, सभी लोग किताबों से ही पढ़ाते हैं, वो कुछ भी कहें कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वो जनरली तौर पे किताबों का सहारा लेते हैं, ये नॉलेज हमको किसी ने दिया है। तो मेरे बच्चे ये जो वर्ड मैंने आपको समझाए हैं ये मैंने तुकांत में रख दिए हैं, पुल्ट्री, मिलिट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, क्लैरगी, कैवेलरी, इस तरीके के वर्ड सब में री री करके निकल रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसे में ये सारे वर्ड प्लूरल होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब कौन होगी आपको पता है कि आप आर का चुनाव करके आओगे। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं द पुलिस, द पुलिस स्पेस चेजिंग द थीप्स। अब पुलिस यहां पे फिर मैं वही बात, पब्लिक, पीपल, पुलिस, पुलिस तीसरे नंबर पे वर्ड था और पुलिस है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब मतलब आर का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे फिर से आता है 24 नंबर क्वेश्चन, और मेरे बच्चे 24 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ए सेट ऑफ पेंसिल्स। बेटा पेंसिल्स यहां पर है तो प्लूरल,
नो डाउट, लेकिन उसके पहले एक यूनिट वर्ड लगा जो उनको एक धागे में पिरो रहा है, उनको कलेक्टिव बना, उनका एक बंडल बना रहा है, और ऐसे में वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब चुनी जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके पहले कोई भी यूनिट वर्ड आ रहा है जो उनको यूनिट कर रहा है, एक साथ जोड़ रहा है, एक धागे में बांध रहा है, तो ऐसे में उनके साथ हमें वर्ब सिंगुलर लगानी होती है, बाकी चीजें हमें वहां भूल जानी होती हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे बच्चे आपके सामने आता है वो क्वेश्चन क्या है, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, सीरीज के पहले यहां पे आया हुआ है, सॉरी इवेंट्स के पहले अ सीरीज ऑफ का यूज किया गया, और इस हिसाब से वर्ब सिंगुलर आ जाए और सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। द काउज ऑफ बच्चा, अब यहां पे द काउज ऑफ बच्चा स्पेस ग्रेजिंग, मुझे बताओ बच्चा चर रहा था कि इसका आपका मतलब काउ चर रही थी, तो जाहिर सी बात है काउज वहां पे ग्रेजिंग कर रही थी, और ऐसे में काउज अगर प्लूरल है तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो आता है 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आता है, और वो क्या कहता है, द ट्राउजर्स ही इज वियरिंग डर्टी, मुझे बताओ गंदा कौन है, ये गंदा है या ये बंदा गंदा है, जाहिर सी बात है ट्राउजर्स गंदा है, और नाउन एंड नंबर में अभी जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेक्चर चल रहा है, जल्दी आप तक पहुंच जाएगा, तो नाउन एंड नंबर में मेरे बच्चे मैंने आपको एक बात समझाई थी, और मैंने ये समझाया था नाउन एंड नंबर के अंदर कि मेरे बच्चे जो कमर के नीचे चीजें हम पहनते हैं, कमर के नीचे, आप इसको पैंट बोले, ट्राउजर्स बोले, पिजामास बोले, निकर्स बोले, ब्रीफ्स बोले, सूज बोले, सॉक्स बोले, ये जितने भी नंबर नीचे आप पहनते हो, जिनको डबल इंस्ट्रूमेंट, डबल की मदद से या कोई दो चीजें जोड़ करके उसको बनाया गया हो, तो उसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है। जैसे कि ये मेरा चश्मा, इसमें दो ग्लासेस हैं, दो स्टिक्स यूज की गई है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इसको ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, या इस तरीके के नाम से हम स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, इस नाम से हम जानते हैं, तो मेरे बच्चे इनमें यस लगता है इसीलिए क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर होते हैं। तो ये अब जैसे सीजर्स है, पिंसर्स है, ये जितनी चीजें डबल पार्ट्स पे बनती है, सारी की सारी प्लूरल कंसीडर होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो मेरे बच्चे ये आप बताओ कि कमर के नीचे पैंट पहनते हैं हम लोग, तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, बिल्कुल सही जवाब है, कैसा, प्लूरल हुआ। तो बेटा वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, वेरी गुड, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं और देखता हूं कि कौन बंदा जवाब दे पाता, सबसे पहले कौन बंदा ध्यान से सुन रहा है, जो बंदा ध्यान से सुनेगा भाई मेरे वही सही जवाब या तुरंत टाइप करेगा आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने फिर से 28 नंबर क्वेश्चन आता है, और मैंने उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, बदलाव मैंने क्या किया, उस ट्राउजर्स के पहले मैंने एक चीज ऐड कर दी, आप पेयर ऑफ, आप क्या करोगे मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई प्लूरल नाउन हो जिसके पहले कोई यूनिट वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, और अगर वो यूनिट वर्ड इस्तेमाल होगा तो वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसे में वर्ब आपकी इज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वाच का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ ले चलता हूं, मोर देन वन ऑपरेटर। मेरे बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं, थोड़ा सा बदल दूं, कैसे दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसकी जगह पे कर देता, सपोज दैट यहां पे लिख देता मोर ऑपरेटर्स देन वन, देन वन, इस तरीके से मैं यहां पे लिख देता बेटा। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी अजीब बन रही है मेरी, एक्चुअल में मेरी उंगली इसमें थोड़ा सा कम तेजी से चल रही है, तो यहां पे अगर मैं लिख देता मोर ऑपरेटर्स देन वन तो हालात दूसरे होते। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मोर देन वन ऑपरेटर, तो हालात दूसरे हैं। अब यहां पे देन वन की जगह पे मैं देन टू, देन थ्री, देन फोर कर देता तो भी हालात दूसरे होते, ना केवल वर्ब के साथ बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हालात बदल जाते आपके मेरे बच्चे। ऐसे में आपको क्या करना है, यहां पे जो सही जवाब आपका होगा मोर देन वन ऑपरेटर्स की वजह से यहां पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर वर्ब चुनी जाएगी। कैसी वर्ब चुनी जाएगी, सिंगुलर वर्ब चुनी जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता है अनफेयर मींस। अब इस क्वेश्चन में अनफेयर मींस की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे अनफेयर मींस की बात की जाए, ये अब स्पेस यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल। अब मींस का मतलब कई सारे होते हैं, मींस का मतलब इनकम ऑफ सोर्स भी होता है, मींस का मतलब साधन भी होता है। तो मेरे बच्चे यहां पर द मींस स्पेस यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल, इसका मतलब यहां पे इसका मतलब इनकम से नहीं है, इनकम होती तो स्थिति बदलने पर सिंगुलर या प्लूरल हो जाता, अन्यथा मींस को प्लूरल माना जाता है और आपकी वर्ब यहां पे प्लूरल कैटेगरी की यूज हो जाएगी। यानी हम
यहां पे वर्ब यूज करेंगे वर्ब। आज के लिए इतना ही, बने रहें इस वीडियो चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, इसके साथ न्याय करिए वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है, लाइक के काबिल है, लाइक के हकदार है, तो लाइक ठोकिए, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हो, आपकी स्वेच्छा है। और आप चाहें तो इसमें कमेंट डाल सकते हैं, अन्यथा जो आपकी मर्जी उसके साथ न्याय करें। और आज मैं बात करता हूं, या आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।